अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल मसूद एंड टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो है ट्राइसेप वर्कआउट के बारे में। तो जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो थी बाइसेप वर्कआउट के बारे में, तो आज की जो वीडियो है वो है ट्राइसेप के बारे में। तो आज का जो वर्कआउट प्लान है वो है, एंड्रयू एक इंटरनेशनल एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं, एंड्रयू को बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो उनका एक पुराना वर्कआउट प्लान है जो वो फॉलो करते थे, तो ट्राइसेप की उसमें बड़ी मज़े की जो है वो एक्सरसाइजेज हैं। तो चलते हैं बगैर अपना टाइम ज़ाया किए फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है रोप पुल डाउन जिसको कहते हैं हम। सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें मेन आपने जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका एंगल ठीक हो, आपकी एल्बो की जो मूवमेंट है वो ठीक हो, और आपका जो वेट आप यूज़ करेंगे, मतलब कि जो भी वेट आप पर सेट में यूज़ करेंगे, फर्ज करें आपका 10 kg है, 15 kg है, तो वेट इतना हो कि जो आप इजीली हैंडल कर सकें, आपका एंगल अच्छा हो और आपका एंगल ख़राब ना हो। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो अपने एंगल पे करना है। तो आपका एंगल जिस जगह पे आपको गेम अच्छी फील हो रही है उस हिसाब से आपने अपना वर्कआउट जो है उसको मैनेज करना है, और उसी लिहाज से आपने अपना वेट मैनेज करना है। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है रोप पुल डाउन। जी तो ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि आपने देखी, और इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल क्या है और किस तरह आपने रोप को ग्रिप करना है, और आप इसमें थंब की मूवमेंट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने अपना थंब बाहरी तरफ रखना है या उसको पूरा ग्रिप करना है, फिर उसमें आपने वेट अपना चेक करना है, फिर उसके बाद आपकी जो है बॉडी की आपने जो पोस्चर रखना है वो आपको कैसा होना चाहिए, फिर जब आपने रोप को पुल डाउन करना है तो उसको किस तरह पूरा पूरा आपने स्ट्रेच करना है ताकि पूरी गेम या जो पूरा फोर्स है वो आपके ट्राइसेप मसल पे पड़े। तो चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। जी तो जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है ज़िगज़ैग रॉड पे। तो ज़िगज़ैग रॉड पे आपने जो जिस पे आप बेंच प्रेस कर लगाते हैं उसी बेंच पे आपने स्ट्रेट और ज़िगज़ैग रॉड को आपने अंदर से ग्रिप करना है, मतलब जो उसका इनसाइड एंगल होता है, फिर आपने अपनी जो एल्बोज़ हैं उनको स्ट्रेट रखना है। एल्बोज़ को स्ट्रेट रखने के साथ आपने जब वेट को नीचे की तरफ लेके आना है, मतलब अपने फॉरहेड की तरफ लेकर आना है, तो उसको आपने फोर्स जितनी भी है वो आपके ट्राइसेप पे जानी चाहिए, और ट्राइसेप पे फोर्स जाने के लिए आपको जो है अपनी एल्बोज़ को कंट्रोल करना होगा, और दोनों एल्बोज़ जो हैं वो कोशिश करनी है आपने कि आपकी चेस्ट के जितने करीब हो सकें उतने आपने चेस्ट के करीब रखनी है। उनको जितना आप चेस्ट से बाहर रखेंगे वो उतना एंगल आपका डाइवर्ट होगा और उतनी ज़्यादा फोर्स डाइवर्ट होगी। तो चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। ये तो थर्ड एक्सरसाइज जो है वो सिंपल उसी एक्सरसाइज में एक आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। उसमें आपने जो है वो क्लोज ग्रिप रखनी है उसी ज़िगज़ैग रॉड पे, और जो अपनी एल्बोज़ को है वो अपनी रिब्स के करीब रखना है, अपनी चेस्ट के करीब रखना है, और जो आपका वेट है उसको आपने चेस्ट से थोड़ा सा नीचे, जो आपका कह सकते हैं जहाँ पे चेस्ट आपकी स्टार्ट होती है उस पॉइंट पे आपने वेट को जो है वो डाउन लेके आना है, और फिर जब उसको फुल अप करना है तो उससे आपका जो ट्राइसेप मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब आप उसको नीचे स्लो लेकर आएंगे तो उसमें नेगेटिव फोर्स लगेगी और आपका जो मसल है स्ट्रेच होगा। तो जो मेन ट्राइसेप की एक्सरसाइज हैं वो ज़्यादातर या तो स्ट्रेचिंग पे हैं
या कॉन्ट्रैक्शन आप कह सकते हैं। एनर्जीज होती हैं, मतलब आप एक आपकी ज़्यादातर एक्सरसाइज होंगी वो आपकी होंगी पुल, मतलब कि आप वेट अपनी तरफ पुल कर रहे होंगे, और कुछ होगा जिसमें आप पुश कर रहे होंगे अपने से दूर वेट पुश कर रहे होंगे। तो इन एक्सरसाइज का जो है वो कम्बिनेशन लेके चलना पड़ता है, कि ये ना हो कि सारी एक्सरसाइज आपकी जो है वो पुल में आ रही हो, पुश में कोई भी ना हो, तो उसमें नेगेटिव एनर्जीज भी आपको यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि आपके मसल को दोनों तरफ से एक अच्छी जो है वो मतलब वर्कआउट आपका एक अच्छा चले, और दोनों तरफ से जो है वो आपका अच्छा वर्कआउट जो है वो मैनेज हो ताकि आपका मसल अच्छा ग्रो करे। तो चलते हैं अपनी फोर्स एक्सरसाइज की तरफ। तो फोर्स एक्सरसाइज है हमारी, इट्स वन हैंड केबल पुल डाउन। तो इसमें जो है एंगल आप चेक कर सकते हैं कि आपने अपनी एल्बो को बाहर की तरफ रखना है, और एल्बो जो है आपकी वो बाहर की तरफ है, और आपने रोप को डाउन जो है वो पुश करना है, और जिसको आप कह सकते हैं वन हैंड पुल डाउन भी इसको आप कह सकते हैं। तो फिर आपने इसको वेट को जब पुल डाउन करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि पूरा मसल आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और जब आप ऊपर इसको स्लो लेकर आ रहे हैं तो वो नेगेटिव एनर्जीज पर लग रही है, तो आपका मसल जो है वो स्ट्रेच हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो दोनों जब आप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप वेट को पुल कर रहे हैं, और जब आप मसल आपका स्ट्रेच हो रहा है तो आप वेट पुश नहीं कर रहे, आप सिर्फ वेट को पुल कर रहे हैं। लेकिन जब वेट आपका नेगेटिव एनर्जी में जा रहा है तो उससे ये होगा कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज इस तरह की हैं कि जिस तरह ये भी जो वन हैंड केबल है उसमें आप वेट को पुल कर रहे हैं। जब आप फर्ज़ करें कोई ट्राइसेप की लगाते हैं, जिस तरह के नेक एक्सरसाइज है उसमें आप वेट को पुश करेंगे, जो कि क्लोज ग्रिप एक मशीन है और उसमें आप क्लोज ग्रिप रखते हैं, जो कि फिफ्थ एक्सरसाइज है, तो उसमें आप वेट को पुश करेंगे। तो ये पुल और पुश को आपने जहन में रखना है कि कुछ एक्सरसाइज आपकी जो है वो नेगेटिव एनर्जी में होनी चाहिए और कुछ एक्सरसाइज जो हैं वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी में होनी चाहिए। मतलब कुछ पुल में जानी चाहिए कि आप वेट को पुल कर रहे हो अपनी तरफ, और कुछ जो है वो पुश में जानी चाहिए जिसमें आप वेट को अपने से दूर पुश कर रहे हो। तो चलते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज जो है हमारी वो ट्राइसेप की, वो आप देख सकते हैं ये मशीन है, इसका नाम मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें आप ट्राइसेप भी लगा सकते हैं, इसमें आप ट्रैप्स भी लगा सकते हैं। तो ट्राइसेप पे ये है कि आपने क्लोज ग्रिप उसको पकड़ना है, और जब आप वेट को पुश करेंगे अपने से तो मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और जब आप वेट को स्लो स्लो वापस अप ऊपर आने देंगे तो वेट जो है वो आपका मसल जो है वो स्ट्रेच हो रहा होगा। तो अब ये जो गेम है वो है पुश में, तो इसमें आप जो वेट को है वो आप पुश कर रहे हैं, जो इससे पिछली वाली थी उसमें आप वेट को पुल कर रहे थे। तो ये डिफरेंट आपने जो है पुश और पुल वाली एक्सरसाइज को मिक्स करके अपना एक वर्कआउट प्लान बनाया। तो आज का जो वर्कआउट प्लान था वो ट्राइसेप के बारे में था। उम्मीद है कि आपको प्लान समझ आया होगा और सारी एक्सरसाइज समझ आई होंगी। तो हर एक्सरसाइज का जो है वो आपने 4 सेट्स लगाने हैं विद डिफरेंट रेपिटेशंस, और लाइक 12 रेपिटेशन, 15 रेपिटेशन, 16 रेपिटेशंस, और जिस तरह आप वेट अगर कम लगा रहे हैं स्टार्ट में तो आप 20 रेपिटेशन से 18 रेपिटेशन पा सकते हैं, 18 से आप 16 पा सकते हैं, 16 से आप 12 पा सकते हैं वेट जब आप कम कर रहे हो। तो उसी तरह अपना वेट भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं 10 से 15 kgs, 15 से 20 kgs, तो अकॉर्डिंग टू योर प्लान। मतलब आपने अगर वेट या अपना साइज़ गेन करना है तो ज़्यादातर लोग वेट ज़्यादा लगाते हैं और रैप्स कम लगाते हैं, तो अगर आपने अपना फैट बर्न करना है तो आप वेट कम लगाएंगे और रैप्स ज़्यादा लगाएंगे। तो उम्मीद है आज का वर्कआउट प्लान आपको पसंद आया होगा, और सजेशंस लाजमी दीजिएगा कमेंट्स में कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।